नमस्कार, मैं हूं सत्यम समीर और आप देख रहे हैं इट्स बी न्यूज चैनल। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे जी का एक वीडियो वायरल हुआ है। उस वीडियो में उन्होंने सभी पब्लिक से हाथ जोड़कर आग्रह किया गया है कि आप लोग बेवजह घर से बाहर ना निकले, आपातकाल स्थिति में ही घर से बाहर निकले। इसी सब विषयों को लेकर एक वीडियो उनका देखना चाहिए हम लोगों को, वो वीडियो से सीखनी चाहिए हम लोगों को। आइए उस वीडियो को देखते हैं। नमस्कार, मैं गुप्तेश्वर पांडे, डीजीपी बिहार। मैं हाथ जोड़कर के प्रार्थना करता हूँ तमाम बिहार के लोगों से, हर जात हर मजहब के, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, मजदूर हो, किसान हो, वकील हो, व्यापारी हो, हर जात हर वर्ग हर समुदाय के लोगों से अनुरोध करता हूँ, मान जाइए। आज लॉकडाउन था लेकिन गाड़ियां लेकर के तफरी करने के लिए लोग निकल गए, बहुत लोग, ये एकदम उचित नहीं है। लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन, कंप्लीट कर्फ्यू की तरह। एसेंशियल सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज केवल चालू हैं, जैसे राशन की दुकान हो गई, गैस, पेट्रोल पंप, गैस स्टेशन, दवा की दुकान, हॉस्पिटल जाना हो, इसके अलावे कोई आदमी घर से नहीं निकलेगा। आप ये समझे लॉकडाउन का मतलब एक तरह का कर्फ्यू है, और ये आपके लिए है। आपने सहयोग किया जिस दिन जनता कर्फ्यू का दिन था, तो पूरी दुनिया ने इसको देखा, बिहार के अनुशासन को, आपके धैर्य को, और ये पूरी दुनिया ने देखा। उसी तरह के धैर्य का परिचय देना है, उसी तरह के अनुशासन का परिचय देना है। ये आपके लिए हम लोग कर रहे हैं, ये सरकार आपको बचाने के लिए कर रही है, ये बिहार को बचाने के लिए कर रही है, ये पूरे मुल्क को बचाने के लिए कर रही है, मानवता को बचाने के लिए कर रही है। सरकार को शौक नहीं है कि आपको घर में बंद करके रखे। ये संक्रमण से फैलता है कोरोना, आपको नहीं पता कौन आदमी कहां किससे स्पर्श कर गया है, और किसी के स्पर्श मात्र से ये कोरोना फैल जाता है। बहुत ही भयावह स्थिति है। कल से 31 तक, आज भी था, कल से 31 तक शपथ खाइए कि आपातकालीन परिस्थिति को छोड़कर आप किसी भी परिस्थिति में घर से नहीं निकलेंगे। और ये केवल शहर के लोगों के लिए नहीं है, देहात के लोगों के लिए भी है। इस वीडियो को एकदम अधिक से अधिक शेयर कीजिए, गांव तक पहुंचाइए, एक एक घर तक पहुंचाइए, लोगों को पता चले। गांव में कोई गुजरात से आया है, कोई पंजाब से आया है, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई पुणे से आया है, कोई दुबई से आया है, कहीं कोई इंग्लैंड से आया है, कोई जापान से, कहीं दुनिया में किसी भी कोने से गांव में लोग आए हैं, तो गांव के लोगों को भी बिल्कुल सतर्क रहने की जरूरत है। ऐसा कोई आदमी आए तुरंत अपने जिला प्रशासन को सूचित कराइए, उसकी जांच करवाइए, और बहुत सम्मान के साथ उसको क्वारंटाइन कीजिए कि अकेले रहो, लेकिन उसकी सूचना तुरंत जिला प्रशासन को दे दीजिए। कोई भी नहीं निकले प्लीज, हाथ जोड़ करके मैं प्रार्थना कर रहा हूं अपने बिहार के भाइयों से, नौजवानों से, बुजुर्गों से, मजदूरों से, किसानों से, वकीलों से, इंजीनियर से, डॉक्टर से, जो अनिवार्य सेवा, इमरजेंसी सेवा में है, उनके लिए इससे छूट है। पुलिस को छूट है, उसी तरह से डॉक्टर्स को छूट है, चिकित्सा सेवा को छूट है। बाकी कोई आम जनता अनावश्यक तफरी करने के लिए मटरगश्ती, जितने अपने काम हैं सबको स्थगित कर दीजिए। दुनिया नहीं बदल जाएगी, कोई कयामत नहीं आ जाएगी, सब काम बंद। 31 तक केवल अपने घर में बाल बच्चा परिवार के साथ रहिए, एकदम मत निकलिए। बहुत इमरजेंसी हो, दवा की दुकान पर जाना हो, या बहुत इमरजेंसी हो, राशन की दुकान पर जाना हो, तो जाइए, लेकिन एकदम इमरजेंसी में हाथ जोड़ करके कल से, सुबह से 31 मार्च तक बिल्कुल घरों से नहीं निकलना है। जो जनता कर्फ्यू के दिन रविवार को आपने नजारा पेश किया, वही नजारा बिहार में 31 मार्च तक अगर आप पेश करेंगे, हिम्मत, धैर्य, अनुशासन का परिचय देंगे, कोरोना हार जाएगा, कोरोना भाग जाएगा, हम जीत जाएंगे, बिहार जीतेगा, देश जीतेगा, मानवता जीतेगी। हाथ जोड़ करके अनुरोध कर रहा हूं।